आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान बी टाउन की सबसे चर्चित टिकरी है। तीनों खान गहरे दोस्त भी है। तीनों को साथ में देखना उनके चाहने वालों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। लेकिन क्या हो जब ये तीनों एक साथ पर्दे पर धमाल मचाने आ जाए। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सलमान, शाहरुख और आमिर तीनों ही बॉक्स ऑफिस के राजा है। उनकी फिल्मों का करोड़ों लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। रियल लाइफ में तीनों को साथ में ही देख कर ऑडियंस पागल हो जाती है। ऐसे में अगर इनकी साथ में मूवी आएगी तो क्या क्रेज होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। करोड़ों लोगों की ख्वाहिश है कि आमिर, सलमान और शाहरुख को एक फिल्म में देखा जाए। अब थ्री इडियट्स एक्टर ने फैंस को बड़ा सरप्राइज दे दिया है। उन्होंने कहा कि सलमान और शाहरुख के साथ वो फिल्म करने के लिए तैयार है। हाल ही में आमिर खान ने कॉमेडी शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो में इसका खुलासा किया है। शो में आमिर खान ने बताया है कि वो सलमान और शाहरुख के साथ फिल्म करना चाहते हैं और उन्होंने दोनों से बात भी कर ली है। एक्टर ने कहा, मैं अभी हाल ही में सलमान को भी मिला, शाहरुख से भी मिला, हम लोग तीनों साथ में थे। मैंने कहा कि हम तीनों इतने सालों से इंडस्ट्री में हैं, ये ऑडियंस के लिए बड़ा गलत हो जाएगा कि हम लोग अपना करियर के इस दौरान हम एक फिल्म अगर साथ में नहीं करें। आमिर खान ने आगे बताया कि तीनों साथ में फिल्म करने के लिए राजी तो हो गए, लेकिन इंतजार सिर्फ बढ़िया कहानी और डायरेक्टर की है। लाल सिंह चड्ढा एक्टर ने कहा, उम्मीद करता हूँ कि कोई अच्छी कहानी हम लोगों को मिले, कोई अच्छे डायरेक्टर्स हमको कहानी ऑफर करे। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।